हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं। जी हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके इंटेंशन क्या ऑथेंटिक है, क्या आप सही तरीके से सोच रहे हो, क्या आप अच्छे सोच विचार लेके चल रहे हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसी टाइम पे ये वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो का लेंथ बहुत ही छोटा है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा। एंड लास्टली, ये वीडियो को जब आप देखेंगे तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख दीजिएगा 1111। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसी टाइम पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपके इंटेंशन। देखिए, पहले आए हैं इम्पेशंस। आप में से बहुत सारे लोग मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप में या फिर अपने पर्सनल लाइफ पे आप काम नहीं कर पा रहे हो। बार बार आप लोग बहुत ज़्यादा आउटकम के पीछे भाग रहे हो, रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हो। प्लीज़, यूनिवर्स आपको बोल रहे कि इतना ज़्यादा अगर रिजल्ट्स के पीछे भागोगे तो काम कब करोगे। आपको अपने सोल जर्नी के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपके अपना जो सोल स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है इसके ऊपर फोकस करना होगा। कहीं ना कहीं आपका जो रिवॉर्ड्स है ये आपको मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आपको भी एक चीज़ देखना है कि क्या आप पूरे काम को सही तरीके से कर रहे हो, क्या आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो या फिर क्या आप बहुत स्लो कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक परसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है, एक कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करना है। ये चीज़ करना आपको होगा ही होगा। और बहुत ज़्यादा आपको नर्वसनेस नहीं लेके चलना है, विश्वास रख के चलना है। चलिए अभी देख लेता हूँ कि आपके लिए मोटिव क्या है, आपके जो करियर या फिर लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ में मोटिव क्या है। यहाँ पे बात आते हैं पैशन। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग पैशनेट हो। मैं देख सकता हूँ कि डिजिटल क्रिएटर हो सकते हो, या फिर मैं देख सकता हूँ आप एक पेंटर हो सकते हो, डांसर हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, या फिर पैशनेटली किसी पर्सन को चाह रहे हो, पैशनेटली किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो। कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो आपके सोल मेट है, कहीं ना कहीं आपको पता है वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। तो आप लोग जैसे सोच रहे हो, बहुत पैशनेटली सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, और ये पैशन को लेके आप बहुत अच्छे से चल रहे हो। क्यों मैं हंस रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों की एनर्जी मेरे को महसूस हो रहा है। तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ बहुत पॉजिटिव एम्बियंस बना रहे हो। आप ऐसे बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हो, रिचुअल कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं इम्पेशंस भी हो रहे हो, यानी कि आपको फल भी चाहिए और जल्दी जल्दी चाहिए। होगा, मिलेगा। तो चलिए अभी देखता हूँ एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कि क्या आप ऑथेंटिकली सोच रहे हो, क्या आप ऑथेंटिकली सोच रहे हो इस टाइम पे। यस, यहाँ पे आते हैं एक्सपेंशन। यस, यहाँ पे आप ऑथेंटिकली सोच रहे हो। मेरे ख्याल से ना, आप में से बहुत सारे लोग एक गुरु को ढूंढ रहे हो, या फिर आपको आप में से बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा मिलेंगे। तो हो सकता है कि कोई गुरु आपके लाइफ में आ रहे हैं, या हो सकता है स्पिरिचुअल मेंटर आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर आप खुद मेंटर बन रहे हो। मेरे ख्याल से एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ लीड करने के लिए आप सोच रहे हो, डाइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, टीचर के पास जा सकते हो, नए टैरोट सीख सकते हो, या फिर खुद से कुछ ट्राई कर सकते हो, खुद से कुछ यूट्यूब चैनल हो, व्लॉगिंग हो, ये आप स्टार्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपके सामने जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उस पर आप कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि फ्रीलांसिंग, या फिर मैं देख सकता हूँ कि एनजीओ के साथ काम करना, मैं देख सकता हूँ कि माइनॉरिटी पीपल के साथ काम करना, ये सब आपके अलाइनमेंट में है। आप दूसरों के पेन को महसूस कर रहे हो, तो अगर आप हीलिंग आर्ट्स में हो, हीलिंग प्रोवाइड करते हो, टैरो रीडिंग करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका एक्सपेंशन मिल रहा है। अगर आप टीचर हो या फिर कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका एक्सपेंशन मिल रहा है। ओवरऑल एक इंक्रीमेंट आ रहे है, ओवरऑल एक आपके जो पोजीशन है ये हाई हो जा रहा है। डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, डिजिग्नेशन हाई हो सकता है, जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हो सकता है। एक्सपेंशन मतलब क्या है? एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ आ रहे है। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ थर्ड पार्टी या फिर फैमिली या फिर कोई उनके एक्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो ये खत्म हो जा रहा है। और लास्टली, आने वाले फ्यूचर क्या दिख रहा है, आने वाले फ्यूचर में क्या दिख रहा है, आने वाले फ्यूचर में क्या दिख रहा है। और यहाँ पे आते हैं इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या है? एक बैलेंस फ्यूचर। देखिए क्या हो रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस आपका नहीं था। हो सकता है कि घर का प्रेशर, पर्सनल लाइफ का प्रेशर और प्रोफेशनल लाइफ का प्रेशर, आप अपने पैशन और हॉबीज को ढूंढ नहीं पा रहे थे। फाइनली आप अपने पैशन और हॉबी को ढूंढ पाएंगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि अगर आपका कोई लीगल इशू चला तो वो सॉल्व हो सकता है। कहीं ना कहीं घर में अगर आपके मम्मी पापा के बीच में, या फिर बच्चों के साथ, या फिर बच्चे को करियर को लेके, या फिर पर्सनल लाइफ को लेके अगर कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे तो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप डिवोर्स पर्सन हो तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ सेकेंड मैरिज का एक पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक बैलेंस मिल जाएगा। यूनिवर्स बहुत अनफेयर था आपके साथ और लाइफ भी बहुत अनफेयर था,
देखिए लाइफ अनफेयर तो रहेगा, बट कहीं ना कहीं आप इस फेयर गेम को, ये अनफेयर गेम को फेयर कर सकते हो अपने इम्पार्शियलिटी से। तो आप फॉरगिव करोगे अपने पास्ट को एंड फॉरगेट भी करोगे, साथ ही साथ एक न्यू बिगिनिंग को अपनाओगे। इसी के साथ इस छोटू सा रीडिंग को खत्म करता हूँ। ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, जरूर कमेंट करिए और एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम प्रेम दक्षिणा काली के नमो, गॉड ब्लेस यू। वेल, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। ऑल द बेस्ट। ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।